जय हिंद साथियों। चलिए तो हम लोग क्लास कंटिन्यू रखते हैं। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आपके आए थे उसमें क्या क्या आंसर है जरा उसको एक बार देखते चलते हैं। तो लिखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फटाफट थोड़ा स्पीड से करते हैं। टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी होता है, ये आपका टाइम होता है। तो हमने क्या देखा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप होता है वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, ये आपका त्वरण होता है। और आप क्या देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या बात रही है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये आपका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक स्लोप में आ रहा है। और यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 77 का सी। और देखते हैं 78 पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, ये कौन सी यूनिट में होगी, डिस्टेंस होती है एक तरीके की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। कि भाई जो आपका एम्पलीट्यूड होता है उसकी जो साइज बोल दो, या क्या कहें कि इसको डिस्टेंस जो होगी, है ना, यूनिट जो होगी वो डिस्टेंस की जो होती है उसी की होगी मीटर में। 79 की अगर मैं बात करें, द करंट ऑफ 0.6 एम्पियर आपको करंट दे रखा है। हमेशा हमने कहा है कि न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप पहले उसके गिवन जो है वो लिख लिया करो, और उसके बाद आपको टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 600। फिर आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, आई टी। कहां से आया ये फॉर्मूला, तो I इक्वल टू Q बाई टी से आया है। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम खत्म। T की वैल्यू कितनी है आपके पास, 600। ये आपने पॉइंट हटाया, 10 लग गया, ये दोनों कट गए, 6 6 36 और एक जीरो आ गया। कितना आ गया, C आ गया। तो न्यूमेरिकल में हमेशा गिवन पता होगा तो आप फॉर्मूला लगा के फटाफट सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, 80 वाला क्या लिखा है, ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब यहाँ जनरेटर की बात कर दी हमने, और जनरेटर का काम क्या है, तो वो फैराडे के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता है। जहां पर हम एक कॉइल में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो दूसरी कॉइल में अपने आप करंट फ्लो हो जाता है। इसका मतलब ये कि फर्क किस वजह से होता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए 81 वाला देखिए, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। किस यंत्र के द्वारा हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पता लगा सकते हैं। तो आपको ओस्टेड भाई साहब वाला कंसेप्ट लगाना है। उन्होंने क्या किया था, किसी सर्किट में अगर मैं करंट फ्लो करवा दूं तो उसके आसपास क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक करेंगे, तो सर सीधी सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि ये तो करंट और ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। चलिए 81 के बाद देखिए, लिखा है कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ओनली वैल्यू देखते हैं। जबकि वेलोसिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। इसलिए आपको पता है कि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो यहां पर स्पीड सेम होती है। स्पीड मतलब आपकी कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन बार बार बदलने की वजह से वो जो है आपकी कांस्टेंट नहीं होकर वो वेरिएबल है। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाता है। तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 और देख लो यहां पर कोई अपना काम का क्वेश्चन हो। चलिए तो 85 86 87 तक कोई क्वेश्चन नहीं है अपना, ठीक है ना। तो 81 82 उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। ओनली हम अभी फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बाकी केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको सर करवा देंगे अभी। चलिए तो यहां आ जाते हैं अपन डायरेक्ट 101 पे। ये क्वेश्चन देखिए आप, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आपके घर में बिजली बिल आता है वो किसकी वजह से आता है वो आपको देखना है। तो किलोवाट आर की यहाँ पर बात हुई है, तो एक किलोवाट आर की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3.6 × 10⁶ कैसे आती है। तो एक किलोवाट मतलब 10�³ आर की बात करेंगे तो 60 मिनट, और सेकंड की बात करेंगे तो 60 सेकंड। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलके कितने होगा टोटल, 10⁵, या फिर अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो इसमें से एक पावर यहां पर बढ़ा देंगे, तो ये किस में आती है, जूल में। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया, ए वाला हो गया, डन। चलिए अगला देखिए,
102 वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड आपको पता ही है, सोलेनोइड में क्या होता है, हम लोग यहां पर बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे इसमें देखना है कि कहां पर क्या क्या, हमें चार सेंटेंस दे रखे, उसमें से हमें क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, ओके, द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिल्कुल, ये भी क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बार मैग्नेट की तरह एक, ये भी हमारा काम करता है। इसके अलावा देख लो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इंक्रीज विद इंक्रीज बी इंक्रीज इन करंट, क्या ये करंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू जीरो एन आई इसका फॉर्मूला होता है, हमको पता ही है, तो करंट पे डिपेंड करता ही है, तो करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी सही है। इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेंस द सेम, अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ चीज रख दूं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला, 102 का क्या आ रहा है, 102 का डी वाला। नेक्स्ट देखिए, 103 पर, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज डेंसिटी रो नॉट एंड द अदर पार्ट ऑफ डेंसिटी इज टू रो नॉट। तो मुझे क्या बोला गया है कि दो डेंसिटी अलग अलग दी है, उसको मिला के हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती, तो एवरेज जैसे नॉर्मली आप निकालते हो वैसे आपको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डेंसिटी निकालना है, तो दोनों डेंसिटी को प्लस कर लो और अपॉन में क्या कर लो, टू, तो ये कितना हो गया, थ्री रो टू अपॉन में टू, कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है तो ये टिक लगा दो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस टाइप का पूछा गया था, एक रो दे रखा था, फिर आपको एक टू रो दे रखा था, फिर आपको एक थ्री रो दे रखा था, सबको प्लस करके डिवाइड करना था, कितना हो गया था, सिक्स रो अपॉन में थ्री, थ्री टू जो सिक्स, टू आंसर आ गया था थ्री टू रो। तो सेम एज इट इज वही रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि कंसेप्ट जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन बदल दिया जाता है। ए प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाय, हम जो कुकर में, प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो किस वजह से तेजी से बन जाता है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 105 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपको हमने ये ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, उसमें आपको बताया था कि क्या याद रखना है, जी एक्स यूलिमर टाइप की, बस उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये फर्स्ट लेटर से आप सारी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि कुछ भी अगर इसमें से पूछते किसकी ज्यादा है या किसकी कम है, तो हम बता सकते थे कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो हमें क्या देखना है, जो एक्सरे उसकी वेवलेंथ, इनकी इनमें तो कंपेरिजन में तो गामा से थोड़ी सी, बस इनमें देखते चलना है कि इसकी गामा, इसकी वेवलेंथ थोड़ी कम है, फिर उसकी 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 बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 1 नैनोमीटर के बराबर। ये वाला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेट द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता है, देन पी वी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, आई कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, लेकिन मिली एम्पियर में दिया हुआ, तो मुझे इसको अगर एम्पियर में बदलना है तो 10^-3 से मैंने क्या कर दिया, इनटू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, ये 30 से 30 तो कैंसिल ही हो गए, क्योंकि ये तीनों प्लस के और वो माइनस का है, ये कितना हो जाएगा, 132 आ रहा है वाट में, ये आंसर आ गया पहला, ठीक है ना। जहां तक आ गए 106 तक, चलो 7 पे आ जाओ। व्हेन द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज, क्या बढ़ाने पर साउंड की जो साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो साउंड का जो पीच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और अगर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं तो भी ये आंसर आता है, क्योंकि जब डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये बढ़ाने पर ये वैल्यू जो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 107 तक समझ में आ गया, चलिए अगला ढूंढते हैं, आगे आ जाओ 111 तक आ जाओ। दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी आपको दे रखी है यहां पर, इंग्लिश में चलते चलते हिंदी कैसे हो गया, चलो आगे देखते हैं, कभी दे रखा ये रहा, चलो यहां देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, टू कॉन्वेक्स लेंस है। एक चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कॉनकेव में फोकल लेंथ जो होती है, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, जबकि कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आप ये देख लो कि जो नेगेटिव वाली जो ऑप्शन है वो तो पहली फुर्सत में गलत कर दिया करो,
जैसी लेंस देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा। तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो तीन जरा चेक कर लेते हैं। आपको एक दे रखा, अगर टोटल एफ निकालना है तो पहली एफ दे रखी है 50 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर मेरे पास क्या क्या दे रखा है, टू कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 50 एंड 20 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर लो, 50 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3/50। लेकिन ये वैल्यू जो आई आपकी ये किस में आ रही है बेटा, ये आ रही है हमारी किस में, सेंटीमीटर में। पर आपको पता है क्या कि अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू चाहिए होती मीटर में। इसलिए मैं यहां पर क्या करने जाऊंगा कि 50 अपॉन में 3, तो मुझे इसको सेंटीमीटर में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा सर इसको मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 100 अपॉन में 50, 50 × 100 हो गया, ये 6 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पावर हमेशा मीटर में, जब फोकल लेंथ जो होती है वो अगर मीटर में होगी तो ही हम उसको डायरेक्टर में इसको हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहां तक वैल्यू आ गई है, याला देख लो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर के सारे फॉर्मूले लिख लो। पी इक्वल टू होता है सर वी आई, अगर मैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर रख दूं तो यहां पर हो जाएगा I, यहां पर एक फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, आई आर इंटू आर, तो ये क्या बन गया आपका आई आर स्क्वायर, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहें यहां पर I की वैल्यू निकाल के V अपॉन आर रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा सर आपका V इंटू V बाय आर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, तो मुझे P इक्वल टू वी आई यहां पर ऑप्शन में दिख रहा है, आई आर स्क्वायर ये भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, V square by R, ये भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। तो तीन चीजें मेरे पास है इसको छोड़ के, तो इसका मतलब B वाला जो है वो जो कैन नॉट वाले में आ जाएगा कि ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सारी मैं आपको एक एक चीज केवल टिक नहीं लगा रहा हूं, आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि वो वैल्यू कैसी आई है, ठीक है ना। तो बोला है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2 द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमें पता है कि अगर म्यू की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, V1 अपॉन में V2 होती है। अगर मुझे V2 निकालना है तो V1 अपॉन में म्यू हो जाएगा, V1 की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट दे रखी 3 × 10⁻⁸, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी 3/2, तो अगर आप देखोगे तो ये 3 तो 2 × 10⁸ हो रहा है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप सी रखिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको केवल क्या दे रखे हैं, सी दे रखे हैं, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 3/2 नीचे रख लो, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 × में क्या आ गया सी, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, डन। चलिए तो 1, 1, 3 तक हम लोग यहाँ कर चुके हैं, 1, 1, 4 पे आ जाइए। द वॉल्यूम ऑफ ए सील्ड पैक इज 1 लीटर एंड इट्स मास इज 100 ग्राम, जी में दे रखा है। द पैकेट्स इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर विद द डेंसिटी 1 g/cm³ एंड देन इज अनदर लिक्विड बी विद डेंसिटी 1.5 g/cm³, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज होल्ड ट्रू, हमें ये देखना है कि इन सब में से कौन सा सही है। तो हमें ये देखना है कि पहले जो मास और ये तो आपको दे रखा है, तो इसकी डेंसिटी निकाल लो, इससे क्या होगा सर। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर इसकी डेंसिटी निकाल ली, तो अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हो रही होगी इन दोनों लिक्विड से तो वो अंदर डूब जाएगा, अगर कम हो रही है तो ऊपर तैरेगा। इस वजह से मैं यहां पर ऑप्शन लगा लूंगा कि क्या सही हो सकता है। तो मेरे पास मास कितना दे रखा है, यहां पर 800 ग्राम दे रखा है, जबकि वॉल्यूम 1 लीटर में दी हुई है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 cm³ लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 0.8 g/cm³ हो गया हमारा। तो देखो 0.8 g आ रहा है, अगर 0.8 g आ रहा है उसको मिला किस में रहे आप लोग, पहले 1 g में मिला रहे हो तो वो भी 1 से कम है, मतलब ये 1 से तो कमी है ये वैल्यू, और 1.5 से भी ये वैल्यू कम है। इसका मतलब है जो ऊपर रखी जा रही है, जिसके अंदर आपको डुबाया जा रहा है, जिस लिक्विड के अंदर उसको डुबाया जा रहा है, उसमें ये क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो द पैकेट विल फ्लोट बोथ वाटर एंड लिक्विड बी, दोनों में, ठीक है ना, तैरेगा क्योंकि वो हल्का हो गया है। 114 के बाद चलिए आगे चलते 115 पर। A simple pendulum having bob of mass m and length of string l has time period of t. If the mass of the bob is double and the length of the string is half, then the time period of this pendulum will be. तो pendulum वाला formula आपको पता होना चाहिए कि हर बार एक ना एक question तो इसमें से 100% आता ही आता है। तो आपको पता है इस तरीके से ये depend करता है। तो अगर मैं यहाँ पर value put करूँगा, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये T1 दे देते हैं, इसको T2 वैल्यू दे देते हैं, तो क्या क्या बोला है वो रखते चलो। उन्होंने बोला मास को डबल करना है, तो फॉर्मूले मास तो है ही नहीं, तो मुझे उसको कुछ ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्या बोला गया है कि आपको जो आपकी जो लेंथ है उसको क्या करना है, हाफ करना है, तो अपने हाफ कर दो उसको,
एल बाय टू जी हो जाएगा, एल बाय टू कर देंगे मतलब इसको, तो हम देखेंगे वन बाय रूट टू बाहर आ गया, ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी एल बाय जी, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, तो पहले वाली वैल्यू को, इसका मतलब हो गया सर कि ये आएगा अंडर रूट टू, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी टी बाय अंडर रूट टू, आप पे डिपेंड करता है आप इनको क्या नाम देते हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट पे ध्यान दो बस, डन। बी क्यों आया, आगे चलते हैं 115 के बाद चलते हैं 1/116 पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको पता है कि ऐसा कौन है जिसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो वो उसको किस पे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक, तो आपको पता होना चाहिए सब किससे करवाते हैं, सोलर सेल से करवाते हैं, तो इसका आंसर सिंपल था सोलर सेल। हमेशा देखो लाइट इमिटिंग डायोड से क्वेश्चन आते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन याद रखना, सेमीकंडक्टर से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद 116 के बाद आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन ढूंढते हैं, यहां पर आ जाओ, ये 125 पर आ जाओ, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हाट वेव्स डज इट यूज फॉर दिस पर्पस, किस यूज, अपन जो सोनार का यूज करते हैं समुद्र की गहराई में किसी और कोई कुछ कोई और शिप वगैरह हो जिसका हमको पता लगाना, उसको पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, सोनार। लेकिन कौन सी वेव का यूज करते, तो अल्ट्रासोनिक, अगर बेट का पूछते, चमगादड़ का पूछते, तो भी हम इस टाइप का ही क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। यहां तक आ गया, तो 126 तक आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट, तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कौन सी बात ऐसी है जो नॉट करेक्ट है, ध्यान दो जरा फटाफट, क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन द वाटर, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड में ज्यादा होती है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दो ऑप्शन दिए हुए हैं लगभग सेम है, बाकी इसको देख लो एक बार, हायर देन द एयर ये भी सही है, तो अब ये दो में से आपको देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो जो स्पीड होती है वो 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाती है, इसलिए इसका जो इंक्रीज वाला आंसर जो है वो सही होगा, बाकी ये वाला गलत होगा, इसलिए मैं इसको चूज करूंगा, क्योंकि मुझसे कौन सा पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, ठीक है ना। इसके बाद और क्वेश्चन देखो अपने पास कहां तक आ गया, अपन 126 तक हो गया हमारा, 127 के बाद 128 वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स किसका यूज करते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो आपको पता है टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है ना, बस दो तीन क्वेश्चन लास्ट के और बचे, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। द बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज ओरिजिनली फायर द वेलोसिटी ऑफ, ये वाला तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बनता है ये क्वेश्चन, तो दोनों का जो मोमेंटम है उन दोनों को इक्वल कर लेना, आपको क्या क्या दे रखा है वो वैल्यू पुट कर लेना, तो बुलेट का मास आपको दे रखा है तो उसको इधर रख दो, और वेलोसिटी कितनी दे रखी 300 उसको इधर रख दो, पिस्टल ऑफ मास केजी 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको नहीं पता है, तो ये कितना हो गया आपका, अगर मैं इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, 30 से 30 कट गए, 3 आ गया, ये आंसर आ गया, 129 तक हो गया। दो क्वेश्चन और देखें लास्ट, फटाफट देख लो जरा, 130 ए माइक्रोफोन कन्वर्ट, माइक्रोफोन क्या करता है, हम जो बोलते हैं जो साउंड रहता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, 130 इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, 135, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट डिस्टेंस विद कंसिस्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसा होता है कि हम उनको दोनों चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो फार नियर ये तो आपको पता है, नियर में हमको नियर का दिखता लेकिन फार का नहीं दिखता, तो ये सब कंसेप्ट आपको पता ही है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इल्यूमिनेशन ऑफ आई। तो इसी तरीके से आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब आपके जो बाकी जो कुछ सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन कंटिन्यू अब राम सर आपको केमिस्ट्री के करवाएंगे, तो चलिए जय हिंद। जैन बच्चों,
मैं आपका केमिस्ट्री और बचा हुआ जो पोर्शन है उसको सॉल्व करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बढ़िया गया होगा। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री सर कैसा रहा? तो केमिस्ट्री नॉर्मली जैसा आता था हर बार इजी वैसे ही आया। एक दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पे थे, कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी आए थे, ठीक है? तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? 51 से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, 51 का आंसर है सी। 51 का आंसर क्या बेटा? सी, ठीक है? 51 का आंसर है सी, आप टिक करते जाना, ठीक है? नेक्स्ट 52 का आंसर है ए। 52 का आंसर ए। नेक्स्ट 53 का आंसर है सी। नेक्स्ट 54 का आंसर है बी। 54 का क्या आंसर है बेटा जी? बी, ठीक है? चलिए आगे चलते। नेक्स्ट 55 का भी बी है, बॉम्बे, ठीक है? 55 का क्या है? बी। नेक्स्ट ये 56 है, एक सेकंड बेटा, 55, ठीक है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 56 का आंसर है बी। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 57, अगर हम बात करें 57 की, एक सेकंड, 57 का आंसर है बी। आप लोग टिक करते जाना बेटा, 57 का आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट 58 का आंसर है डी। 58 का क्या हो जाएगा? डी। 58 का आंसर है डी, एक सेकेंड, 58 का आंसर है आपका डी, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर चल रहा ठीक, 59, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 59 का आंसर है बेटा डी। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं 60, 60 का आंसर है ए। आप लोग प्रॉपर तरीके से टिक करते जाना। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 61 का आंसर है बी। नेक्स्ट 62 का आंसर भी है बी, ठीक है? नेक्स्ट 63, चलिए 63, आवाज आ रही ना प्रॉपर? पेपर कैसा गया बेटा चैट में बताओ, कितने क्या आ रहे हैं मार्क्स? 63 का है ए। 63 का क्या है? ए। तो 63 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट 64 का है सी। 64 का है सी। नेक्स्ट 65 का है बेटा जी ए। 65 का ए। नेक्स्ट 66 का ए। 66 का लगा लीजिए आप बेटा ए, ठीक? क्वेश्चन देख लो एक बार, 66 का क्या है? ए। ए पे टिक कर लीजिए आप। 66 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 67 का भी बेटा जी ए है, ग्रेनाइट। चलिए आगे चलते हैं। 68, पेपर कैसा गया चैट में बताओ? 68 का हो जाएगा बी, बॉम्बे। 68 का क्या है? बी। नेक्स्ट 69 का है ए, ओनली वन। 69 का है ए, ठीक। 70 का है बेटा जी डी। 70 का है डी, इसको टिक कर लो। 70 का क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। 71 का है सी। 71 का क्या है? सी। चलिए आगे चलते हैं। 72
72 का है बी, 72 का क्या हो जाएगा बेटा बी, आप लोग मार्क करते चलना। नेक्स्ट 73 का है ए, 73 का क्या है ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 74, क्वेश्चन नंबर 74, का है डी, 74 का क्या हो जाएगा डी, टिक कर लो इसे, 74 डी। 75 ठीक है, 75 है बेटा जी ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 76, 76 का है बॉम्बे बी, 76 क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 77, 77 का है सी, देखिए स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये हो गया फिजिक्स का पार्ट है ठीक है, 77 क्या हो जाएगा सी आपका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 78, फिजिक्स वाले क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं ठीक है, बताने क्या इन्हें भी देख लीजिए आप, फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो हो चुका है, आप लोगों ने टिक कर लिए थे क्या भैया, ये चेट नहीं दिख रही यार इसमें। जैन बेटा जैन, पेपर कैसा गया चेट में बताओ, फिजिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी मार्क करने क्या, देख लीजिए आप एक बार, क्योंकि आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो हो चुका है ठीक है, फिजिक्स के टिक करने हैं बता दीजिए चैट में। हाँ केमिस्ट्री के आएंगे बेटा, केमिस्ट्री के आएंगे ठीक है, अभी मैं कराऊंगा, ओवरऑल देख लो आप लोग कि किसका क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते, 78 वाला जो है ठीक है ये फिजिक्स का पार्ट है, ये हो चुका आपका। 79 ये भी फिजिक्स है, 80 ठीक ये भी क्या हो जाएगा आपका फिजिक्स में चले जाएगा, 81 ये भी फिजिक्स, अभी केमिस्ट्री आएगा ठीक है, बीच बीच में जब केमिस्ट्री आएगा तो मैं वहां डिस्कस करते जाऊंगा। हाँ केमिस्ट्री पे आ रहे हैं बेटा, 82 भी फिजिक्स से, 83 देखिए ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्लास नोट से हमारे ठीक है, जो पढ़ाया था वही आया बेटा, एक दो क्वेश्चन बस इधर उधर हुए हैं। ब्रोंज, अगर बात करें ब्रोंज की ठीक है, तो ब्रोंज का कंपोजिशन क्या है, कॉपर और टिन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा ए, 84 का क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ब्लू विट्रोल जो है ठीक ये क्या होता है SuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O मोर सॉल्ट भी पता होगा ठीक है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। आपसे क्या पूछा था कि किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का है। चलिए आगे चलते फटाफट टिक करते चलो, 85 बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये भी क्लास नोट्स है डायरेक्ट, 85 का क्या हो जाएगा बेटा डी, मिथेनोइक एसिड जिसको आप क्या बोलते हो फॉर्मिक एसिड, क्लियर केमिस्ट्री चल रहा है बेटा, कुछ भी दिक्कत आए पूछ लेना। 86 देखिए ये भी हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर वेजिटेबल ऑयल है और उसे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो कौन सी गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, तो 86 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 86 का हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, 87 ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ऑर्गेनिक से भी वो क्वेश्चन देंगे, जनरली क्या होता है कि एनडीए में नहीं पूछता ऑर्गेनिक से, फिर भी इसका आंसर देख लो, इसका जो आंसर है 87 का हो जाएगा बेटा डी, 87 का क्या हो जाएगा डी। आपसे ये पूछा था कि पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, अगर बनाना है जिसे तो बना लेना, एक हो जाएगा बेटा नॉर्मल पेंटेन ठीक, एक हो जाएगा आइसोपेंटेन और एक हो जाएगा आपका नियोपेंटेन, तो 87 का क्या हो गया डी। चले बड़े आगे ठीक है, लिंक को शेयर कर दो एक बार। 88 वेपर ऑफ सल्फर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, 88 का सी, डिपोजिशन बोलते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं, डिपोजिशन जो है जस्ट उल्टा किसका है, सब्लिमेशन का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 89 ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स है, देखिए सही आंसर क्या होगा 89 का
सब्लिमेशन 89 का हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने 11 में केमिस्ट्री थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा ये वो सर के ये वो सही करके आएंगे। देखिए 90 जो है, ठीक है, 90 का जो आंसर है ये हो जाएगा एल्किन। क्या होगा? एल्किन, क्योंकि C4H8 ये कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा एल्किन से, क्योंकि एल्किन में हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CnH2n, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 91 का मैं बता देता हूं क्या होगा। लिंक को शेयर कर दो। चलिए 91 देखिए बेटा, फटाफट 91 पे आ गया, ठीक है। हम कहां गया ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज, ठीक 91 का आ गया बेटा बी। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट 92, केमिस्ट्री जब बीच में आएगा तो मैं डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। 92 का आंसर है आपका सी। 92 का आंसर क्या है बेटा जी? सी। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट, पेपर कैसा गया चैट बॉक्स में बताओ, जो भी रियलिटी बतानी है, घबराना नहीं है, दिन अच्छा बुरा होता है, ठीक है, पेपर तो सभी के लिए एक जैसा था। 93 का है आपका बी। 93 का क्या है बेटा जी? बी। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। 93 का क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट 94, एक सेकंड वेट करना, ठीक है। जिनका अच्छा गया बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 94 का हो जाएगा बी। 94 का क्या होगा बेटा जी? बी। नेक्स्ट 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट 96, एक सेकंड, ये क्या हो गया सर? भैया को बुलाना, पीडीएफ नहीं देखी नहीं सर, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। 80 प्लस आ रहे हैं, ठीक, अच्छा सही कर रहे हैं। ये पीडीएफ देखो कहाँ गायब हो गया, एक सेकंड बेटा। ठीक देखिए 96 का हो जाएगा बी, फटाफट टिक करते चलो। 96 का क्या हो जाएगा बेटा? बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 97, तो 97 का आंसर है ए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 97 का आंसर क्या है? ए। चलिए आगे चलते हैं, 98 का आंसर होगा बेटा जी सी, थर्ड ओनली। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, केमिस्ट्री जब जब आएगा मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक। 98 हो गया, 98 का हमने लगा दिया सी। नेक्स्ट 99, देखिए 99 का आंसर है ए, ठीक है। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट 100, 100 तक आ चुके हम लोग। 100, ठीक है, 100 का आंसर है डी। 100 का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट 101, 101, ठीक है बेटा, ये किसका? फिजिक्स का, ये डिस्कस हो चुका है। आगे चलते हैं 102, ये भी फिजिक्स है, ठीक, ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट 103, ये भी फिजिक्स है, ये भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट ठीक देखिए 104 जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो 104 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे चलते हैं, 105, ये भी फिजिक्स में डिस्कस हो चुका है। 106, ठीक, ये भी डिस्कस हो चुका है। 107 पे चलते हैं, 107, 107, ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। 107 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं, 108, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 108, ये रिएक्टिविटी सीरीज से था, अगर किसी को रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन उसने सही करा होगा।
तो 108 इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जी ए, ठीक है 108 का सही आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट 109 तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े, 109 का सही आंसर हो जाएगा सी, जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। चलिए आगे नेक्स्ट 110 ठीक, ये बहुत सारा क्वेश्चन था, आपसे ये पूछा था कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो 110 का क्या हो जाएगा, 110 का हो जाएगा बोलिए बोलिए, हाँ 110 का हो जाएगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो सुगर सॉल्यूशन है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं 111, एक सेकेंड हिंदी में आ गया अपन, हाँ 111 ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, ये हो चुका है 112 ये भी फिजिक्स से रिलेटेड, 113 ठीक है ये भी फिजिक्स से, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट 114 ये भी हो चुका है आपका, 115 ये भी हो चुका है, 116 ये भी हो चुका है बेटा, 117 ये मैं बता देता हूं आपको, 117 देखिए 117 का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 117 का क्या बेटा जी डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 118, देखिए 118 का आंसर है, 118 का आंसर है आपका सी, 118 का क्या हो जाएगा सी, नीचे 118 हो जाएगा सी। चलिए 119 का है ए, 119 का क्या है ए। नेक्स्ट 120 का आप टिक कर लीजिए ए कटक, 120 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट 121 का आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 121 का सी। नेक्स्ट 122 की अगर हम बात करें तो 122 का आंसर है बेटा जी बी, 122 में आप कर लीजिए बी। चलिए नेक्स्ट 123 तक हम आ चुके हैं, 123 का आप टिक करिए, बस कुछ ही समय लेंगे आपका, 123 का सी ठीक है, 123 का क्या हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट 124 का है बी, 124 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं 125 पे आ गए हम, 125 ये फिजिक्स है ठीक है, ये हो गया आपका, अगर इसका आंसर आपको देखना है तो 125 का हो जाएगा आपका सी, 125 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 126 भी फिजिक्स से था ठीक है, ये भी हो चुका है, हाँ जैसा भी गया हो पेपर इट वॉज क्विट इजी ठीक है। अच्छा हाँ मैथ्स वाला जो पोर्शन था थोड़ा हेवी था, बाकी जीएटी में तो बच्चों ने फोड़ दिया है, तगड़ा करा बच्चों ने पेपर। चलिए आगे चलते हैं 126 तक हो गया फिजिक्स से ठीक है, बेटा फिजिक्स डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट 127 का आप टिक कर लीजिए सी, 127 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया है, जिनका पेपर अच्छा गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 128 साल भर की आपकी मेहनत काम में लाई, इसका आंसर टंगस्टन ठीक है, फिजिक्स में डिस्कस हो चुका है, 128 का क्या हो जाएगा डी। 129 ये भी हो चुका है, चलिए 130 ये भी हो चुका बेटा ठीक, आगे चलते हैं 131, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ते हो और ट्वेल्थ में भी बताया जाता है ठीक है, 131 का हो जाएगा बी, कौन सी गैस हम यूज करते हैं, हीलियम गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट 132 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज से था, रिएक्टिविटी सीरीज से दो क्वेश्चन आए और ऑर्गेनिक के भी दो क्वेश्चन है, तो
132 का क्या हो जाएगा, 132 का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 133, 133 सोडियम इसका आंसर है, ठीक है, ये भी हम कई बार बच्चों से टेस्ट में पूछ चुके हैं। 133 का हो जाएगा सोडियम ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं 134, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 134 का हो जाएगा बेटा सी। 134 का क्या हो जाएगा सी, सर मैथ, हाँ मैथ थोड़ा टफ था। 135 ये फिजिक्स में हो चुका है, ठीक। 136 देखिए बेटा, 136 पे आप टिक करिए फटाफट, 136 फिर टोटल करके बताना कितने क्या आ रहे हैं आपके। 136 में आप कर लीजिए डी, 136 का क्या करोगे प्यारे बच्चों डी, 136 का डी। चलिए आगे चलते हैं 137, 137 का कर लीजिए आप बी, 137 का बी, 137 का क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 138 का भी है बी, 138 का क्या बेटा जी बी, टिक कर लो इसे फटाफट। 139 देखिए, 139 का हो जाएगा डी, 139 का क्या होगा डी, प्लाज्मा, ये चीज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 140, बस 5 मिनट और, ठीक है 140 तक हम आ गए। देखिए 140 का जो आंसर है वो है ए, 140 का आंसर क्या है ए। नेक्स्ट 141, केमिस्ट्री वाले लगभग सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं, 141 आप लोग फटाफट टिक कर लो, ये मैम ने डिस्कस करा था आपसे। 141 का हो जाएगा, बोलिए बोलिए, हाँ सी, 141 का सी। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट 142, 142 का ए, 142 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा 143, 143 पे आ जाओ, कोड दिया आपको 143, इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 143, ठीक है, इसका आप कर लीजिए सी, 143 सी, बोथ 1 और 2। चलिए आगे चलते 144 का है ए, 144 का क्या है ए, एक सेकंड किसी का कॉल आ रहा है। चलिए आप देखें 144 का क्या हो जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट 145, इसमें आप टिक करें, 145 का हो जाएगा बेटा बी, 145 का क्या है बी, तो इसका कर लीजिए बी। चलिए नेक्स्ट 146, 146 का भी है बी, 146 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 147, 147 में आप कर लीजिए ए। आगे चलते हैं 148, एक सेकंड कौन सा था, अच्छा नीचे ही है, 148, 147 का ए है, ठीक है, और 148 इसका भी ए है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा आप। 149, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कुछ भी दिक्कत हो प्रॉपर तरीके से पूछ लेना आप, इसमें आप 149 में आप टिक करिए बच्चों बी, 149 का क्या हो जाएगा बी। चले नेक्स्ट 150, 150, 150 का आंसर है, 150 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 और 2। ठीक, तो ये सारी चीजें समाप्त हो गई। पेपर देखो कैसा भी गया हो, आपने साल भर अगर मेहनत करी होगी, ठीक है, पेपर अच्छा ही जाएगा बेटा। ठीक, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, एक बार आप लोग मैच कर लेना टोटल कितना आ रहा है ये देख लेना। चले जैन, ठीक है, पेपर अच्छा, ठीक है, बहुत शानदार। चले मिलते रहेंगे हम लोग, जैन बेटा ना।